सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टेस्ट एंड ट्रेवल विद चीनू। और आज हम आ गए हैं नोएडा के 104 के अतिथियम में। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या हाइलाइट्स हैं। सो गाइस, यहाँ से आपकी एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है और स्टेज पे बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, स्टेज टू हेवन। प्रॉपर पूरा आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा। नमस्कार करके एक बहुत अच्छी सीनरी आपको दीवार पर मिल जाएगी। और यहाँ पर तो यहाँ से आप लोग एंटर करेंगे अतिथियम। अतिथियम का मतलब होता है अतिथि देवभव, ये इनकी एंट्रेंस है। एंटर करते ही आपको सैनिटाइज़र दिख रहा होगा वॉल पे, इसे आप अपने हाथ सैनिटाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, लॉर्ड गणेशा की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा आपको दिखेगी, आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं उनकी। उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो डोर है, यहाँ से एंट्रेंस होती है। यहाँ से हम एंटर करेंगे, पुश द डोर करके हम जब जैसे ही एंटर करते हैं, दरवाज़ा खोल के आपको सही में लगेगा स्टेयर्स टू हेवन। बहुत ही सुंदर अंदर से इंटीरियर्स कर रखा है। विंडो आप देख सकते हैं, विंडो में पानी गिरता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको फील होगा कि बाहर बारिश हो रही है। उसके साथ साथ आप इंटीरियर्स देख सकते हैं, वुडन वर्क का बहुत ही सुंदर इंटीरियर इन्होंने दे रखा है। वॉल्स पे एक प्रॉपर पूरा साउथ का आपको लुक नज़र आएगा, आपको लगेगा कि जैसे आप साउथ में ही एक्चुअली हैं वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर वुडन वर्क है। साथ में आप बिल्कुल स्ट्रेट में आप देख सकते हैं, सामने मेरे आपको टीवी दिख जाएगा, वहाँ पे आप अपना मैचेस वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। सामने ये जो है बार है मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स के लिए। और उसके अलावा एक छोटी सी हट टाइप सी एक प्रॉपर बुरा बना रखा है कि आपको फील आए कि आप केरला में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ का जो कुशीन है वो 3-4 जगह का है। कर्नाटका मील्स आपको मिल जाएंगी, केरला मिल जाएगी, ऑथेंटिसिटी आपको बैंगलोर की मिल जाएगी, प्लस आपको आंध्रा का फूड मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग वॉल्स पर लगा रखी है। बिल्कुल मेरे सामने आप एक पेंटिंग देख सकते हैं, एक लेडी बैठी वहाँ रंगोली कर रही है प्रॉपर पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस में वहाँ की। और उसके साथ साथ देख सकते हैं वॉल्स का कलर एंड कंट्रास्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है। साथ में बहुत बहुत सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट लगा रखे हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा सा एक फील आएगा, फील गुड फैक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में छोटे छोटे एंटिक पीस से इन्होंने बहुत सुंदर वॉल्स अपने डेकोरेट कर रखी है। इससे थोड़ी सी दूर में आप जाते हैं, ये देखिए तमिलनाडु का प्रॉपर पूरा एक ट्रेडिशनल वियर एक वॉल पर इन्होंने लगा रखा है। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र में आ रहा है। और ये खचाखच लोगों से भरा रहता है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि बिल्कुल आप सामने देखेंगे, जिस मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हैं, ये वुडन का एक जो पार्टीशन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, अपने हैंड वॉश कर सकते हैं आप यहाँ से। और बिल्कुल सीधे जाएंगे तो फिर आपको एक वही बहुत सुंदर सा नज़ारा, पानी गिरता हुआ आपको सामने से नज़र आ रहा है विंडो के ऊपर, तो बहुत ही सुंदर सा लुक दे रहा था। और बहुत ही आपको अंदर से बहुत ही अच्छा लगेगा, फैमिली रेस्टोरेंट है, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। फिलहाल आप मेन्यू चेक करिए कि इनके मेन्यू में क्या क्या स्पेशल है। सो जैसा कि आप इनका मेन्यू कार्ड देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको आंध्रा मील्स मिल जाएंगी, प्लस आपको कर्नाटका की कुजींस मिल जाएंगे, केरला कुजींस मिल जाएंगे, और इसके साथ तमिलनाडु की स्पेशलिटी ऑथेंटिसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फूड में बफे सिस्टम आपको मिल जाता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे न्यू मिलेंगी अदर रेस्टोरेंट्स के हिसाब से। जितने भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, यहाँ पे सॉल्यूशन अंडर वन रूफ मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए चलिए इनके जनरल मैनेजर से हम बात करते हैं। सर वी ओपन मैम 2019 नवंबर। और बेसिकली अगर मैं पूछूँ आपका, जैसे साउथ इंडियन जनरली बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने देखा सागर रत्न भी है, आप ये दासा पताशा भी है, और वेर इज अदर ऑप्शन आपको, तो आपके यहाँ पे बेसिकली स्पेशल क्या है? मैम वी आर सर्विंग ऑथेंटिक बैंगलोर स्टाइल। ओके, एंड अगर आप सांभर भी जब खाएंगे तो थोड़ा स्वीट इन नेचर होगा, राइट मैम? एंड जो भी हमारे जो बैंगलोर का डिश है, जो बैंगलोर का सांभर है, जो चटनी है, दैट वी आर सर्विंग हियर ऑन ऑथेंटिक बैंगलोर। ऑथेंटिक मतलब बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बैंगलोर का प्रॉपर पूरा टेस्ट आपको सेक्टर 104 हाजीपुर में मिलने वाला है इनके रेस्टोरेंट में। अभी मैं अभी डिशेज ट्राई करें, हमने ऑर्डर किए हैं, आपको दूसरे के डिशेज में आपको ट्राई करके बताऊंगी, बाकी सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके इन्जॉय कर सकते हैं। सर छोटा सा मेरा सवाल है, आपके यहाँ पे सिग्नेचर डिशेज क्या है जो जनरली लोग प्रेफर करेंगे? मैम अगर डोसा का हम बात करें तो हमारे यहाँ गुंटूर डोसा है, पाव भाजी डोसा है, केरला मसाला डोसा है। बेसिकली फ्रेंड्स आपको बता दूँ, मैंने जो सर ने रेकमेंड किया ना, मैंने वो भी ऑर्डर किया है, आपको जरूर बताऊंगी फूड के रिव्यूज क्या है, आप बने रहिएगा चैनल से, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही कुछ एक्साइटेड चीज़ें भी मैं आपको दिलाऊंगी। सर आपके यहाँ पे कुछ ऐसा कि ग्रुप में अगर 10-15 लोग आएँ तो ऐसा कुछ आपके यहाँ पर डील मिलती है कुछ
राइट नजदीक मिलती है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो पैकेजेस आप ले सकते हैं। अनलिमिटेड फूड रहता है, अनलिमिटेड फूड रहता है सर आपका? नहीं ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। आपको कैसे मतलब इनको फोन करके आपको पहले एंजॉय कराना पड़ेगा टेबल, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी गैंग का कितना स्ट्रेंथ है, आपसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है सर, आप मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो मॉकटेल्स भी है वो भी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर आउटलेट, सो यू शुड ट्राई आवर मॉकटेल्स आल्सो। और सर आपकी यहाँ पे आसपास कुछ और ब्रांड भी है? नहीं अभी हमारा नोएडा में सेक्टर 104 में है। और इसके अलावा नोएडा के अलावा वी आर कमिंग विद डिफरेंट सिटीज आल्सो। तो बेसिकली आपको मैं बोलूंगी कि ऑल ओवर अवर दिल्ली में और एनसीआर में, अभी पहले ये इंडिया की ब्रांच है, तो सेफली आप यहाँ पे आके बैंगलोर बेस्ड साउथ इंडियन डिशेज ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स में आंध्रा थाली आ चुकी है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत थाली आपको दिख रही होगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये जनरली रसम है इनका, ये सांभर है, ये दाल है, और ये आई थिंक खिचड़ी है। खिचड़ी के साथ आप देख सकते हैं ये मैश पोटैटो हैं जो आपको डोसे के अंदर मिलते हैं। साथ में आपका केसर हलवा है, इसमें दही है, और इसके साथ ये अचार है, कर्ड भी आपको दिया है, और साथ में ये मिक्स चटनी आपको दी है, और साथ में ये जो है ये मिक्स वेजिटेबल की चटनी भी है। चार पूरी इसके अंदर आती है, एक पापड़ आता है, साथ में राइस आते हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। गाइस बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, आप ट्राई कर सकते हैं आंध्रा की थाली। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इन्होंने छोटे से इसमें देखिए आपको घी दिया है, और इसमें गन पाउडर है ताकि आप राइस में मिला के खा सकते हैं। मसाला डोसा दिया है आपको, और बैंगलोर बेस्ड एक रेस्टोरेंट है। देखिए आपको बिल्कुल केले के पत्ते में आपको सर्व करते हैं, इसके साथ आपको चटनी देते हैं, और साथ में ये आपकी नारियल चटनी है, नारियल चटनी के साथ टमाटर चटनी, ग्रीन चटनी और सांभर है। तो आपको टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली टेस्ट इसका कैसा है। तो गाइस इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार ट्राई कीजिए। इसके ऑप्शन में आपको दाशा प्रकाशा दिखता है, या आप सीपी की बात करें तो सरवना भवन दिखता है, सरवना भवन से भी बहुत टेस्टी है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी है। हमारी तीसरी डिश आ गई गोंटूर मसाला डोसा। ये बेसिकली गोंटूर एक प्लेस है और उसका ये स्पेशल है। इसमें स्पेशल क्या मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ मीठी मीठी सी चटनी है, ये टमाटर चटनी, ग्रीन चटनी, आपकी मेन जो चटनी होती है कोकोनट चटनी और सांभर है। इसका जो तरीका ये है कि ये एक्चुअली ग्रीन वाली दाल से बना, इसमें स्टफिंग रहती है साथ के साथ, आलू स्टफिंग के साथ साथ आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंट वेजिटेबल भी स्टफ रहती है। आपको इसका टेस्ट करके मैं आपको, जनरली आपको नॉर्मली ये डोसा मिलेगा नहीं, तो आप गोंटूर डोसा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इनके सिग्नेचर डिश में से एक डिश ये भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक आपको मैंने दिखाई थी थाली, आंध्रा थाली, फिर ये गोंटूर डोसा और एक मसाला डोसा, ये भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसा है। लुक एट द कलर गाइस, इट्स टू यम। ओवरऑल रेस्टोरेंट की बात करी जाए तो खाना बहुत ही यम्मी था, स्टाफ बहुत हेल्पिंग था, प्लस बहुत ही क्विक सर्विस थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके साथ आती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, इन्जॉय। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिए, अपनी विशेष तो देख के जाइए हमें। सो गाइस हमने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मेरी बेटी ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आके बर्थडे एनिवर्सरी या और सेलिब्रेशंस यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे इनकी डील्स ले सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप आए और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।